तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कॉपी पेस्ट करके पैसा कैसे कमाएं, तो उस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया और उस पर जो कि 2.5 लाख के करीब व्यूज आ चुका है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को और भी कोई चैनल का आइडिया दिया जाए, कोई मतलब जो कि आइडिया दिया जाए जिससे जो कि आप अगर वीडियो नहीं बनाएंगे ना, किसी दूसरे का वीडियो को लेंगे और अपना चैनल पर अपलोड करेंगे, फिर भी जो है कि आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। तो उस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताया था कुछ अलग कैटेगरी में। आज जो है कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सॉन्ग रिलेटेड, क्योंकि अगर आप गाना भी अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो भी जो है कि आप यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आपको तरीका सही रखना पड़ेगा। अगर आपने गलत तरीके से ये काम करते हैं तो आपका चैनल पर स्ट्राइक सब कुछ आएगा और आप बोलेंगे कि भाई तुम्हारा ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको कैसे काम करना होगा, किस तरीके से वीडियो एडिट करना है, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कैसे जो है कि अपना वीडियो को बनाना है ताकि जो है कि आपका चैनल भी सिक्योर रहे और सेफ रहे। लेकिन हाँ, इनमें से अगर कोई एक आध चैनल में अगर कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक आ जाए तो उस चैनल को डिलीट करके या फिर उस चैनल को छोड़ के जो है कि आप दूसरा चैनल में फिर से कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, अगर आपने गलत कर देते, थोड़ा भी आपने मिस्टेक कर देते तो आपका चैनल पर स्ट्राइक क्लेम सब कुछ आ सकता है। तो वीडियो को जो कि पूरा अच्छे से देखना, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप जो कि सॉन्ग किसी भी वीडियो प्ले को वीडियो सॉन्ग को अगर अपलोड करेंगे अपना चैनल पर, फिर भी जो कि आपका चैनल पर स्ट्राइक कुछ भी नहीं आएगा और आप जो कि यूट्यूब से जो कि अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा कर रखें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अर्निंग करने का कुछ तरीका भी बताते रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसा 3-4 प्रूफ दिखाने वाला हूँ जिससे जो है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऐसा 4 प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सिंपल सब प्रूफ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक चैनल है V18 स्टेटस, इस चैनल पर अगर अपलोड की जाए वीडियो की, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जितने सारे वीडियोज है, यहाँ पर छोटे छोटे क्लिप को लेते हैं और क्लिप को लेने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एडिट के थ्रू जो कि यहाँ पर VS वर्सेस लिख देता है और वर्सेस को ऐड कर देने के बाद वो जो है कि अपना चैनल पर 1-1.5 मिनट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं और जिससे जो है कि वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। और उसका एक वीडियो की अगर बात करें जो आपको पता होगा, वो अंटा बाम आया गाम आया था जो कि पुष्पा मूवी का, तो उस वीडियो पर उस सॉन्ग पर जो है कि 33 मिलियन व्यूज आए हैं। 33 मिलियन, समझ सकते हैं 3 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताने वाला हूँ, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं कि उसका चैनल जो कि सिक्योर है, वो लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो भी आप क्या करेंगे, जो भी आप गाना डाउनलोड करेंगे उसका छोटा छोटा क्लिप डाउनलोड करेंगे, बातों को अच्छे समझ लेना, तभी जो कि आपका चैनल सिक्योर रहेगा। आपको करना क्या होगा, जो भी आप गाना डाउनलोड कर रहे हैं ना, किसी भी शो का मान लेते हैं आपने गाना डाउनलोड कर रहे हैं, मैं आप लोग वो चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो आपको छोटा क्लिप लेना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा जो कि शो को ले लेंगे या फिर कोई अगर वाटर मार्क है उस वीडियो पर तो उस वाटर मार्क को आपको क्रॉप करके उसको हटाना होगा, उसको डिलीट करना होगा या फिर उस जगह में आपको कोई दूसरा वाटर मार्क लगाना होगा, तभी जो है कि ये चीज़ होगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डाउनलोड प्रोसेस क्या है। डाउनलोड प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको इंस्टाग्राम रील्स पर भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, छोटे छोटे क्लिप को आपको डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा वीडियो को आप डाउनलोड करेंगे और अपना चैनल पर जगह अपलोड कर देंगे, ऐसा करने से आपका चैनल पर कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक सब कुछ आएगा, आपका चैनल भी बंद हो जाएगा। अब आपको एडिट कैसे करना है वो चीज़ को आप समझना पड़ेगा, एडिट भी अच्छे से करना होगा। एडिट में अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं तो भी जो आपका चैनल पर खतरा आ जाएगा, आपका चैनल जो है कि टर्मिनेट हो सकता है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपको एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे एडिट किया जाता है। तो वीडियो एडिट करने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों का कैनमास्टर के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर जो ड्रेस है यूट्यूब का सिलेक्ट रेशियो यहाँ पर 16:9 इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो जो क्लिप आपने डाउनलोड करी ना, छोटी छोटी क्लिप जो डाउनलोड करी है उस क्लिप को आपको लेना होगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ करना होगा, यहाँ पर आपको एक इमेज लेना होगा जो भी सफ़ेद हो या फिर कोई भी कलर का ले सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस साइड में कर देना है, जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा आपका वीडियो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कर दीजिएगा। फिर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और आपने जो वीडियो मतलब जो कि डाउनलोड करी है छोटी क्लिप उसको ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं, सेम पोजीशन में रख देते हैं, क्रॉप करके अच्छे से समझ लेना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जितने सारे आपका जो कि मतलब जो शॉर्ट वीडियो है जो क्लिप आपने डाउनलोड करी है सारे क्लिप को यहाँ पर लेंगे, फिर से और एक क्लिप को लेंगे, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ जिससे जो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं,
फिर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप वैसा ही कीजिएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे, मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब आपको करना क्या है, और एक जितना भी है आप जिसको वर्सेस में लगाना चाहते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं और एक गाना ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। आपको पूरा जो है कि किसी भी जगह का अगर कोई शो हो रहा है तो शो का आपको पूरा नहीं लेना है पिक्चर, आपको छोटी छोटी क्लिप लेना होगा जहां आपका कोई दिक्कत ना होगा। तो यहां पर देंगे, मैंने ले लिया है। अब आपको करना क्या है, प्ले करेंगे तो एक साथ तीनों प्ले हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अगर प्ले करते हैं तो तीनों जो कि एक साथ प्ले हो रहे हैं। आपको क्या करना है, जितने सारे यहां पर जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं ना, सारे वीडियो क्लिप का एक एक स्क्रीन शॉट लेना होगा। क्या करना होगा, एक एक स्क्रीन शॉट लेना होगा जिससे आपका कोई दिक्कत ना होगा। आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले वाला प्ले होने जा रहा है, तो प्ले होने से पहले आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट ने आप जो लिए हैं ना, जो स्क्रीनशॉट आपने पहले लिए हैं, उस स्क्रीनशॉट को सबसे पहले आपको लगाना होगा। जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट इसको क्रॉप कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं सबका। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अच्छे समझ लीजिए इस चीज़ को। अब क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर चिपका देंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है, आपको चिपका देना है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को प्ले करेंगे। प्ले करेंगे और प्ले होने के बाद यहाँ पर क्या करना होगा, जितना बड़ा वीडियो है, पहला जो कि आपका वीडियो जितना बड़ा है, जैसे कि यहाँ तक मेरा ये वीडियो है, कहाँ तक, यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, जो अपने स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, स्क्रीनशॉट को क्या करना होगा, यहाँ से इस वीडियो को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लेके रख देते हैं, और जो स्क्रीनशॉट है पहले से आप ले लेंगे। स्क्रीनशॉट को क्या करना है, स्क्रीनशॉट को लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट को क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर सेव कर देते हैं, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं, और तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। और स्क्रीनशॉट को आपको फुल लेके चले जाना है, जितना है आपका बड़ा वीडियो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट को लेके चले जाएंगे। यहाँ पर ये वीडियो जहाँ तक है उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट को बड़ा कर देना है। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, ये वीडियो प्ले होते होते वो स्क्रीनशॉट जो है कि आपको नहीं दिखेगा, वो वीडियो जो है कि नहीं प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखो प्ले कर रहे हैं, तो पहला वीडियो प्ले हो जाएगा, लेकिन सेकेंड वीडियो देखो यहाँ पर जो है कि चुप है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो लास्ट में और एक वीडियो प्ले हो रहा है, इस वीडियो को भी आपको यहाँ से इसको हटा देना है, और जिसके बाद इस वीडियो को दिखाना चाहते हैं उसको आपको उस जगह में आपको सेट कर देना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लास्ट में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। अब सेट कर देने के बाद इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम, जो स्क्रीनशॉट लिया है आपको चिपका देना है यहाँ। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं अच्छे से, और इसको भी आपको लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है, लास्ट तक, जहाँ जितना बड़ा वीडियो है आपका उस हिसाब से आप लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने जो कि यहाँ पर सारे फोटो को लगा दिया है। अगर मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्ले करते हैं एक बार, देख लीजिए। तो पहला वीडियो प्ले हो रहा है, सेकंड वीडियो स्टॉप है, थर्ड वीडियो भी स्टॉप है, एक बार देख लीजिए। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितना है वीडियो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा और भी प्ले कर लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखो फर्स्ट वीडियो फिर से रुक गया, सेकेंड वीडियो प्ले हो गया। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो बीच में तो देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर जो एक एक मतलब जो क्लिप्स है, इस क्लिप्स के बीचों बीच आपको करना क्या होगा, वर्सेस लगा देना होगा, या फिर जो भी लगाना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंडियन में किस तरीके से गा रहे हैं, या फिर इंग्लिश में किस तरीके से गा रहे हैं, तेलुगु में किस तरीके से गा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्सेस लगा देंगे, फिर इसका हम क्या करते हैं, इसका कॉपी बना लेते हैं, और कॉपी को भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। समझ लेना इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद फिर से आपको इसको लास्ट में लेके चले जाना है, एकदम इसको पूरा बड़ा कर लेना, जितना बड़ा आपका वीडियो है उस हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो चलो देखो, ये वीडियो जो कि मेरा 43 सेकंड का हो गया, इस वीडियो को हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने वर्सेस भी लगा दिया है कि ये वर्सेस वो किस तरीके से गाना गा रहे, कौन सी बेटर है, कौन जो कि अच्छा गाना गा रहा है, ये चीज आप देख सकते हैं। तो आप अगर कुछ इस तरीके से अपना वीडियो रील्स को लेते हैं, वीडियो क्लिप्स को लेते हैं, और एक साथ ऐड करके अगर अपना चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आप कोई भी सॉन्ग वीडियो को भी आप क्या कर सकते हैं, अपना चैनल पर अपलोड करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट में और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आपको एक काम करना होगा, जब जो गाना ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसा हमेशा ही कुछ ना कुछ नया नया ट्रेंड आते रहते हैं, कभी कच्चा बादाम आया था, तो कभी ये गाना आया था, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ जो कि ट्रेंड करते रहते हैं।
तो आपको ट्रेंड पकड़ना है, जब भी जो चीज ट्रेंड करे, जो गाना ट्रेंड में है उसी गाना को क्लिप को आपको लेना होगा भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, आपको वायरल होना है ना, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ट्रेंड वाला गाना को लेकर अपना चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप बहुत जल्द वायरल भी हो सकते हैं और आपका चैनल पर अच्छा खासा व्यूज़ भी आएंगे और आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाएंगे। लेकिन आपको एडिट जो है कि जैसे मैं आप लोगों को दिखाया, आपको कुछ इस तरीके से अपना चैनल पर एडिट करना है, अपना वीडियो को एडिट करना है। तो आपने देख लिया आपको किस तरीके से एडिट करना है। अगर आपने अच्छे से एडिट करते हैं, अच्छे से डाउनलोड करने के बाद अच्छे से एडिट करते हैं और अपना चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका कोई कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा, आप जो अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। एक आध चैनल में आ जाए तो आप सोच लीजिएगा आपका ही गलती है, जिसका कारण जो कि ये हो रहा है, थोड़ा सा भी आपने कुछ गलती किया होगा जिसका कारण आपका चैनल पर स्ट्राइक या फिर क्लेम आता होगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करी आपको किस तरीके से जो अपना सॉन्ग को डाउनलोड करना है, किस तरीके से अपना चैनल मतलब जो एडिट करना है, किस तरीके से अपना चैनल पर अपलोड करना है। अगर आपने अच्छे से कर लेते तो आप भी अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे, वो भी मतलब जो कॉपी पेस्ट करके, आपको वीडियो बनाने का कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरे का वीडियो को लेंगे और अपना चैनल पर अपलोड करेंगे। तो वीडियो में मैं आप लोग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए या फिर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का अर्निंग रिलेटेड वीडियो के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।